न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की और कहा कि इस बार बदलाव होगा और यूपी में गठबंधन सभी सीटें जीतेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिजनौर के नजीबाबाद में जनसभा को संबोधित किया, बड़ा जनसैलाब उमड़ा है, क्या संकेत है ये जनसभा? ये जनसभा बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पश्चिम से जो हवा चलेगी भारतीय जनता पार्टी के सफाया होने की, वो आगे ऐसी तरीके से बढ़ती जाएगी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गाजियाबाद में, बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि सुपर फ्लॉप है जोड़ी। बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने उनका बैंड बजा दिया है और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल उसके लिए गोदाम बना लिया है। अब की 400 पार कहा जा रहा है, 80 में 80 सीटों की बात बीजेपी कर रही है। जो लोग पहले से ही हार चुके हैं वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, और हार न चुके होते तो क्या इन्हें मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता झूठे मुकदमे लगा करके। सर, पहले चरण की 19 तारीख को वोटिंग है, वक्त बिल्कुल बहुत कम है, लगातार आपने प्रचार किया है, तमाम रैलियां की हैं, क्या उम्मीद आप लगा कर रख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में गठबंधन सब सीटें जीतने जा रहा है पहले चरण की। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? ये बात कही जा रही है, रामगोपाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि रामनवमी को भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट करा लिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, त्योहार मनाए जाते हैं, अभी ईद मिलाई, ईद मनाई हम सबने, बैसाखी मनाई हम लोगों ने, ये देशी त्योहारों का है और त्योहार हम सब मिलके मनाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला गरमाया हुआ है, आप लगातार जनसभाओं में भी इस मुद्दे को गरमा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये वसूली थी, ये कोई चंदा नहीं था। तो ये अखिलेश यादव हैं, तमाम मसलों पर अपनी बात को बेबाकी के साथ रख रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और इंडी गठबंधन इस बार बड़े अंतर से कई सीटों पर जीतने जा रहा है। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, नजीबाबाद, बिजनौर।